हेलो बेटा, आई एम दीपक जनेजा फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। सो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। सो बेटा, लास्ट टाइम जो है हम डिस्कस कर चुके थे अपना फर्स्ट टर्म जो है फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट टर्म की फॉर क्लास नाइन्थ। अभी जो हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ की फिजिक्स हम लेके चल रहे हैं फॉर सेकेंड टर्म क्लास नाइन। और जो टॉपिक हमारा रहेगा आज का डिस्कशन का, दैट विल बी ग्रेविटेशन। टॉपिक विल बी ग्रेविटेशन। सो हम बात करते हैं बेटा ग्रेविटेशन की। नाइन्थ क्लास के अंदर जो है सेकेंड टर्म की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ग्रेविटेशन आता है हमारा, उसके बाद वर्क एनर्जी। तो मेनली हम लेके चल रहे हैं ग्रेविटेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम बात करें ग्रेविटेशन होगा क्या, कि भी हम देखो मेनली बात करते हैं कि नेचर के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं एग्जिस्ट करते हैं, कि हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट करता है, और जो फोर्स एग्जर्ट करता है वह चाहे अर्थ है सन के ऊपर कर रहे, चाहे सन अर्थ के ऊपर कर रहा है, कोई और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। अब देखो मेनली हम बात करें कि सन जो है अर्थ के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, और इसी वजह से अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। मेनली अगर हम बात करें तो इसी वजह से सारे जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर वो क्या करते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल के कारण है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन ऑन द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के सन के ऊपर जो सन है वो प्लैनेट्स के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाता है। अब बात आती है कि जब सन जो है सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सभी प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं सन के अंदर क्यों नहीं जाके गिर जाते, फॉल हो जाते? तो वहां पे हम बताएंगे जो फोर्स लगता है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स, कि जो सेंटर सीकिंग फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, जो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो मेनली ग्रेविटेशन हम क्या डिफाइन करेंगे, ग्रेविटेशन इज द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। क्या होगा, फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन, फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी इन द यूनिवर्स। कि ग्रेविटेशन का एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इट इज द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स। क्या कह सकते हो, फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द एनी अदर बॉडी, अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स भी कह सकते हैं। क्या कहोगे, इट इज द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, इट इज द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। कि यूनिवर्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे स्मॉल है चाहे लार्ज है, चाहे कुछ भी शेप है साइज है, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। चाहे सन अर्थ को करता हो, अर्थ सन को करे, चाहे सन मून को कर रहा है, मून सन को करता रहे, चाहे ब्लैक बोर्ड है मार्कर कर रहा है, मार्कर ब्लैक बोर्ड को, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट चाहे टेरेस्ट्रियल है चाहे सेलेस्ट्रियल, वेदर इनसाइड द अर्थ सरफेस और आउटसाइड द अर्थ सरफेस, जो हमारे पास एस्टेरॉइड्स हैं एस्टेरॉइड्स जो भी हैं सारी चीजें हमारे पास, हम बात करें मीटियोर्स हैं वो, चाहे स्पेस के आउटर स्पेस के अंदर हो चाहे अर्थ सरफेस के ऊपर, हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ये क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशन। ये चाहे कुछ भी शेप हो, कुछ भी साइज हो ऑब्जेक्ट की, कुछ भी मास हो, इसके ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है। सिंपली क्या है, वो कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट करते हैं।
ऐसा नहीं है कि किसी का शेप कुछ है, किसी का साइज कुछ है, किसी का मास अलग है तो फोर्स एग्जर्ट नहीं करेंगे। हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा। और ये जो फोर्सेज होते हैं इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अदर बॉडी, कि कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट करती है, वो फोर्सेज क्या कहलाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्सेज। क्या कहलाएंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स विद विच द वन बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अदर बॉडी, की कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट करती है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमने ये तो डिफाइन कर दिया कि इस यूनिवर्स के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट करता है। कितना फोर्स एग्जर्ट करता है ये कैसे बताएं? तो इसके लिए हमारे पास आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहें, या हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें कहेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहा? क्योंकि इन्हें जो लो है इसको प्रपोज किसने किया, पोस्टलेट किसने किया था? न्यूटन ने। इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि ये जो लॉ है ये ऑल ओवर द यूनिवर्स वैलिड, इसको कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे कैसा भी ऑब्जेक्ट है, शेप साइज मास कुछ भी है, कितना ही डिस्टेंस है, हर जगह ये लॉ वैलिड। इसलिए क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इसे हम कह सकते हैं। क्लियर है? क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, कि इस यूनिवर्स के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स, किसी सर्टेन फोर्स के साथ, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस सपोज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये डेफिनेशन होगी। क्या कहता है? अगेन समझो, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a certain force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। ठीक है, देखो मैथमेटिकल इसका सेटअप हम करते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई बॉडी है A having mass m1, ये कोई दूसरी बॉडी है B having mass m2, इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन की अगर हम बात करें दैट विल बी आर। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? आर है। यहां फोर्स एक्ट कर रहा है ठीक है, फोर्स एग्जर्ट करिए एक दूसरे के ऊपर, फोर्स एग्जर्ट करिए एम। कोई बॉडी है ए जिसका मास एम वन, बॉडी बी जिसका मास है एम टू, इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर इज आर। एफ जो है फोर्स एग्जर्ट करे, फोर्स क्या रहेगा? इक्वल एंड अपोजिट। जितना बॉडी ए बी के ऊपर फोर्स लगाई उतना ही बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहेंगे? हमने क्या कहा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आर क्या होगा? डिस्टेंस। हम कंबाइनिंग दीज टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल गेट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन थ्री। ठीक है, सो टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी यूज अ कॉन्स्टेंट, so it will become f is equals to capital G m1 m2 upon r square equation number 4। so jo force hoga that will be G m1 m2 upon r square ke equal ho jayega। clear hai bhai yahan tak? jahan pe jo G rahega, G capital G is equals to kya rahega? universal ग्रेविटेशनल
कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर द यूनिवर्स इसकी वैल्यूज फिक्स होती है, कॉन्स्टेंट होता है, एंड दैट विल बी 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। क्लियर बेटा? सो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह सकते हो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसे हम कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है बेटा? जी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यूज होती हैं फिक्स होती हैं, कांस्टेंट होती है, दैट विल बी 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है बेटा? सो आज का टॉपिक था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम कर चुके हैं। कल जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की हमने बात की, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ करना बेटा ये। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।